बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वनली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कह सकते हो, और इसे अगर इच्छा हो तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज हम लोग कौन सा न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं? आज जो टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर ई से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? वेक्टर ई से। आओ बच्चों, देखते हैं यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़े, उससे पहले एक तो छोटे छोटे टर्म्स को जान लेना आवश्यक है। उसमें से पहला टर्म हमारे पास आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। चलो देखो, यह एक मैग्नेट है। सपोज कर लो यह एक क्या है? मैग्नेट। और यह है एक आयरन का टुकड़ा, आयरन पीस। ठीक, हम क्या करते हैं, इस आयरन पीस को मैग्नेट के नजदीक लाते हैं। तुम देखोगे कि यह जो मैग्नेट है, इस आयरन पीस को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक, और क्लोज लाओगे तो और अधिक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, और क्लोज लाओगे और अधिक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, और क्लोजर लाओगे और अधिक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। अबे ले जाओगे तो वह फोर्स कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और एक पॉइंट पर जाकर के देखोगे कि इस पॉइंट पर यह मैग्नेट इस आयरन पीस पर अपना कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं डाल पाता है। ठीक, अब इस मैग्नेट के द्वारा जब इस पर कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता है, तो हम लोग कहते हैं कि यह आयरन पीस इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर चला गया है। क्या चला गया है? मैग्नेटिक फील्ड से बाहर। ठीक, इसीलिए इस आयरन पीस पर इस मैग्नेट का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। अब बतलो, इस मैग्नेट के आसपास ऐसा रीजन बनेगा कि नहीं, जिस रीजन में यह मैग्नेट किसी आयरन पीस को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहां से यहां जो एक रीजन बनेगा, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सेम हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब सपोज करो, यह एक मैग्नेट नहीं है, एक चार्ज है। ठीक, और यह एक अनदर चार्ज है। अब तुम लोग बतलो, यह चार्ज इस चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा कि नहीं? इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक, नजदीक लाएंगे तो दोनों के बीच का फोर्स बढ़ेगा, और दूर ले जाएंगे तो फोर्स घटेगा। एक डिफिनिट पॉइंट पर जाकर के देखोगे कि इस चार्ज का इस चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब है कि यह चार्ज इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर जा चुका है। अगर इस फील्ड के अंदर ले आएंगे तो फिर से इस चार्ज का फोर्स इस पर लगेगा, लेकिन जब इस फील्ड के बाहर ले जाएंगे तब इस चार्ज का फोर्स इस पर नहीं लगेगा। इस प्रकार यह चार्ज अपने आसपास एक फील्ड बनाएगा, एक रीजन बनाएगा, जिस रीजन में, जिस फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को रखोगे तो यह चार्ज इस चार्ज पर इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई करेगा। तो कोई भी चार्ज क्यों नहीं हो, वह अपने आसपास एक फील्ड बनाता है। अगर उस फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को ले जाओगे तो वह दूसरा चार्ज उस चार्ज के इलेक्ट्रिकल फोर्स को, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को महसूस करता है। तो आओ देखो इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। लिखेंगे द रीजन सपोज
सराउंडिंग अ चार्ज विद इन व्हिच इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज. द रीजन सराउंडिंग अ चार्ज विद इन व्हिच इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज. किसी चार्ज के आसपास का वह रीजन जिसमें उसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को अनुभव किया जा सकता है, उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है. ठीक. किसी चार्ज के आसपास का वह रीजन जिसमें उसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है. अब बच्चों, इसमें एक और छोटा सा टॉपिक आ जाता है, टर्म आ जाता है, जिसका नाम है टेस्ट चार्ज. अब जान लो यह टेस्ट चार्ज क्या होती है. इसे कई तरीके से डिफाइन किया जा सकता है. पहला तरीका देखो, इफ क्यू नोट टेंड्स टू बी जीरो देन क्यू नोट इज कॉल्ड अ टेस्ट चार्ज. इफ क्यू नोट टेंड्स टू बी जीरो देन क्यू नोट इज कॉल्ड अ टेस्ट चार्ज. अगर क्यू नोट बहुत छोटा हो, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल हो, तब इस क्यू नोट को कौन सा चार्ज कहेंगे? टेस्ट चार्ज. क्योंकि जीरो क्या होता है? स्मॉल है, बहुत छोटा है. तो क्यू नोट जो होगा उसके करीब होगा. इसका मतलब है कि क्यू नोट भी बहुत छोटा होगा, इसी कारण इसे टेस्ट चार्ज कहते हैं. दूसरा तरीका भी है इसे डिफाइन करने का, दैट स्मॉल पॉजिटिव फिक्सियस चार्ज व्हिच कैन which can experience electrical sorry बच्चों experience electric force but can't exert called टेस्ट चार्ज. तो बच्चों, टेस्ट चार्ज को तुम लोग कई तरीके से डिफाइन कर सकते हो. पहला तरीका तुम लोग देख चुके हो और दूसरा तरीका भी हम लोग लिख चुके हैं. तो फर्स्ट है, इफ क्यू नोट टेंड्स टू बी जीरो देन क्यू नोट इज कॉल्ड अ टेस्ट चार्ज. अगर क्यू नोट जीरो की ओर पहुंच रहा हो, मतलब क्यू नोट बहुत 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 छोटा हो, तब उसे टेस्ट चार्ज कहते हैं. मतलब अगर क्यू नोट इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल हो गया, तब उसे टेस्ट चार्ज कहेंगे. या दैट स्मॉल पॉजिटिव फिक्सियस चार्ज व्हिच कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स बट कांट एग्जर्ट कॉल्ड अ टेस्ट चार्ज. वह स्मॉल पॉजिटिव चार्ज जो
इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपेरियंस तो कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स दूसरे पर एग्जर्ट नहीं कर सकता है, क्या कहलाता है? टेस्ट चार्ज। याद रहेगा ना कि वह स्मॉल पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपेरियंस कर सकता है लेकिन दूसरे पर एग्जर्ट नहीं कर सकता है, उसी को हम लोग कौन सा चार्ज कहते हैं? टेस्ट चार्ज। और एक चीज तुम लोगों को यहां नोट करने को मिला होगा कि हम लोग जो टेस्ट चार्ज लेते हैं वह कौन सा लेते हैं? पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज प्रायः पॉजिटिव लिया जाता है। आओ बच्चों नेक्स्ट। सोर्स चार्ज। बच्चों तुम लोग पूछोगे कि यह सोर्स चार्ज क्या होती है। अभी तुम लोग पढ़ चुके हो कि कोई भी चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो जो चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसी चार्ज को हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज। दैट पॉइंट चार्ज व्हिच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट इज कॉल्ड अ सोर्स चार्ज। दैट पॉइंट चार्ज व्हिच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट इज कॉल्ड अ सोर्स चार्ज। याद रहेगा कि वह पॉइंट चार्ज जो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसे कौन सा चार्ज कहते हैं? तो उसे कहते हैं सोर्स चार्ज। इफ दी सोर्स चार्ज इज अ पॉइंट चार्ज देन दी शेप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी स्फेरिकल। इफ द सोर्स चार्ज इज अ पॉइंट चार्ज देन द शेप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी स्फेरिकल। अगर सोर्स चार्ज एक पॉइंट चार्ज हो तब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका शेप कैसा होगा? स्फेरिकल हो जाएगा, जैसे तुम लोग फिगों को फिगर में दिखलाते हैं। अब देखो यह जो सोर्स चार्ज है एक पॉइंट सोर्स चार्ज है, ठीक। यह जो चार्ज है क्यू, यह एक पॉइंट सोर्स चार्ज है। बच्चों पॉइंट सोर्स चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका जो शेप होगा वह शेप कैसा होगा? तो वह शेप होगा स्फेरिकल। तो बच्चों यह सोर्स चार्ज कैसा है बतलाओ? तो यह है पॉइंट सोर्स चार्ज। इसी कारण इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यह कैसा है? स्फेरिकल इलेक्ट्रिक
फील्ड। याद रखेंगे बच्चों, अगर सोर्स चार्ज पॉइंट हो गया, पॉइंट चार्ज हो गया, तब उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका शेप कैसा हो जाएगा? स्फेरिकल हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं जिस टॉपिक को हमने इस क्लास का हेडिंग बनाया है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जिसे वेक्टर ई से डिनोट करते हो। अब देखते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। पर यूनिट टेस्ट चार्ज जितना इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। समझे बात को? क्या समझे? पर यूनिट टेस्ट चार्ज जितना इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज अपॉन हो जाएगा टेस्ट चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर ई हो और टेस्ट चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता हो, वेक्टर एफ अपॉन हो जाएगा टेस्ट चार्ज क्यू नोट। और इसी को तुम लोग लिख सकते हो एक और चीज तुम लोगों को बच्चों यहां पर बतलाना चाहते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में। देखो, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मेजरमेंट होता है दो तरीके से होता है। पहला है इन वेक्टर फॉर्म और दूसरा है इन स्केलर फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म में इसे तुम लोग मेजर करोगे तब वही कहलाता है
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। और जब तुम स्केलर फॉर्म में इसे मेजर करते हो तब वही कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मेजरमेंट होता है बच्चों कितने तरीके से हो सकता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट दो तरीके से होता है, वेक्टर फॉर्म में और स्केलर फॉर्म में। अगर वेक्टर फॉर्म में मेजर करेंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहलाएगा, और स्केलर फॉर्म में मेजर करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। इस चैप्टर में तो हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्कस करेंगे। अब बच्चों चलते हैं, कुछ पॉइंट्स नोट के रूप में लिखेंगे हम लोग। नोट वन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ वेक्टर हैविंग डायरेक्शन अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव सोर्स चार्ज अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन इससे अवे हो जाता है, एंड टुवर्ड्स दी नेगेटिव सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज ए वेक्टर। बच्चों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन होता है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव सोर्स चार्ज। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन उससे अवे होगा, एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव सोर्स चार्ज। अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन उसके तरफ होता है, टुवर्ड्स होता है। ठीक, अब आओ आगे बढ़ते हैं। नोट टू, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, डायमेंशनल, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी -3a-1 और एम एल टी -3i-1 या आई इनवर्स पढ़ सकते हो। अब चलते हैं नोट फोर के तरफ। एट इन्फिनिटी फ्रॉम दी सोर्स चार्ज
बच्चों, सोर्स चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाता है? जीरो। फ्रॉम दी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर हो जाएगा वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर E। किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर EN। अब चलो एक और महत्वपूर्ण टॉपिक VVI टॉपिक की तरफ चलते हैं जो इसी से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का मतलब हो जाता है जिस चार्ज पर किसी दूसरे चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होता हो, जिस चार्ज पर किसी दूसरे चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होता हो उसे कहते हैं आइसोलेटेड चार्ज। तो चलो बच्चों, हम लोग एक आइसोलेटेड चार्ज ले लेते हैं जो है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। यह है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो एक आइसोलेटेड चार्ज है, क्योंकि इस पर किसी चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं है। इसी कारण इस चार्ज को हम लोग नाम देते हैं सोर्स चार्ज। अब इससे कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, और इसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इस चार्ज के कारण, इस सोर्स चार्ज के कारण P पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम करते हैं यह कि यहां से इस चार्ज का डिस्टेंस कितना कंसीडर कर लेते हैं। इस चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं R। तो इस सोर्स चार्ज से पॉइंट पी का डिस्टेंस कंसीडर कर लिए आर। हमें कहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है? पी पर। तो यहां पर करना क्या है? एक टेस्ट चार्ज को रख देना है। यह कौन सा चार्ज है? अभी तुरंत डिस्कस किए हैं कि यह एक टेस्ट चार्ज है। कौन सा चार्ज है बच्चों? तो यह है टेस्ट चार्ज। अब बतलाओ तो क्या टेस्ट चार्ज किसी चार्ज पर अपना फोर्स एग्जर्ट करता है? कहोगे नहीं, टेस्ट चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स एग्जर्ट नहीं करता है। लेकिन टेस्ट चार्ज इस चार्ज के फोर्स को एक्सपीरियंस तो करेगा। तो सपोज कर लो कि यह जो टेस्ट चार्ज है इस सोर्स चार्ज के कितना फोर्स को एक्सपीरियंस करता है? एफ फोर्स को। कितना फोर्स को? एफ फोर्स को कौन एक्सपीरियंस करता है? क्यू नोट। किसके फोर्स को? सोर्स चार्ज के फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो सबसे पहले लिखेंगे फोर्स एक्सपीरियंस बाय दी टेस्ट चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दी टेस्ट चार्ज। किस लॉ से फोर्स कैलकुलेट करते हो बतलाओ तो? पहले ही बतला चुके हैं,
कूलम्स लॉ। अब बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फोर्स का? तो कहोगे सर एफ इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉडुलस ऑफ फर्स्ट चार्ज इंटू मॉडुलस ऑफ सेकेंड चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। इसका डायरेक्शन बतला सकते हो इस फोर्स का? कहोगे यस सर, यह चार्ज पॉजिटिव है ना, इसी कारण यह जो फोर्स है इसका डायरेक्शन हो जाएगा अवे फ्रॉम दी सोर्स चार्ज, अवे फ्रॉम दी सोर्स चार्ज, अवे फ्रॉम दी सोर्स चार्ज। क्या डायरेक्शन हो जाएगा बच्चों? अवे फ्रॉम दी सोर्स चार्ज। क्यों? क्योंकि यह जो चार्ज है देख रहे हो यह सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, इसी कारण यह जो फोर्स होगा ठीक इसका डायरेक्शन हो जाएगा अवे फ्रॉम दी सोर्स चार्ज, क्योंकि यह तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, यह तो इस पर फोर्स एग्जर्ट कर नहीं सकता है, लेकिन यह जो है चार्ज ओनली इस चार्ज के फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। एफ इक्वल्स हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या लिखोगे फिर से? वही अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। यह किसका वैल्यू हो गया? फोर्स का। हेंस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इक्वल्स क्या होता है? एफ अपॉन क्यू नोट। चलो एफ का वैल्यू पुट करो, अपॉन क्यू नोट। और डायरेक्शन क्या लिखोगे? सेम, यह जो डायरेक्शन है अवे फ्रॉम दी सोर्स चार्ज, यहां भी वही होगा अवे फ्रॉम दी सोर्स चार्ज। बच्चों क्यू नोट तक कैंसिल हो जाएगा, तो ई इक्वल्स हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और डायरेक्शन वही रह जाएगा अवे फ्रॉम दी सोर्स चार्ज। बच्चों यह बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसे याद रखेंगे हम लोग। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों हम लोग जब आज का क्लास स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही पढ़े थे, और वह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। फर्स्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले बच्चों जान लो कि यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक,
वेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ ऑफ दी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आर सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन दी फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आर सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन द फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो तब ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। याद रखना एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्विडिस्टेंट पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्विडिस्टेंट पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। अब देखो कैसे डिनोट करोगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब बच्चों तुम ही लोग बतलाओ यहां जो लाइन है यह इक्विडिस्टेंट पैरेलल स्ट्रेट लाइंस है कि नहीं। जब इक्विडिस्टेंट पैरेलल स्ट्रेट लाइंस है तब यह किसे रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों हम लोग सेकेंड टाइप में पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आर नॉट सेम एट एवरी पॉइंट
ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन द फील्ड इज सेड टू बी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्टेड कर्व्ड लाइंस। तो बच्चों व्हेन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आर नॉट सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन द फील्ड इज सेड टू बी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का या तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों सेम नहीं हो तब ऐसे को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रायः डायरेक्टेड कर्व्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहां देख सकते हो। अब बच्चों बतलो यह डायरेक्टेड कर्व्ड लाइंस है कि नहीं, यह रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो बच्चों इसे तुम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, अगर इसमें कोई दिक्कत होगा कहीं कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके लिखना, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।